राजनांदगांव में नगर निगम स्कूल के मैदान में किया गया खेल महोत्सव का आयोजन, जिले भर की महिलाओं ने की शिरकत। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल को भी खेल महोत्सव में जोड़ा गया। महोत्सव में शामिल ज्यादातर महिलाएं सुबह सुबह डोर टू डोर कचरा उठाने का करती हैं काम। देश भर में चल रहा है कोरोना वैक्सीनेशन अभियान। जांजगीर कलेक्टर पहुंचे कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, कोरोना वैक्सीन का लगवाया दूसरा डोज, लोगों से की वैक्सीन लगवाने की अपील। मोतिहारी में कार और बस में जोरदार टक्कर, पकड़दयाल थाना इलाके के मधुबनी पुल के पास का मामला। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, कार सवार मौके से फरार। महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में विजेता छात्राओं को किया गया पुरस्कृत। पुरस्कार पाने वाली छात्राओं में दिखी खुशी की लहर। रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता का किया गया था आयोजन। सहरसा में भी दिखी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की धूम। जिले के जेपी उद्यान पार्क में महिलाओं को दी गई फ्री एंट्री, महिलाओं में दिखी खुशी की लहर। पठानकोट में महिला दिवस के मौके पर बीजेपी की एसी विंग ने लगाई इंसाफ की गुहार। फेसबुक पर अश्लील टिप्पणी मामले में करीब ढाई महीने पहले दर्ज हुई थी FIR, अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है आरोपी। कैप्टन सरकार के बजट पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया। महिलाओं के लिए फ्री सफर की घोषणा और बुजुर्गों के लिए किए ऐलान की लोगों ने की तारीफ। लोग बोले बिजली के दामों में भी कैप्टन सरकार को देनी चाहिए थी राहत। रोहतक के मदीना टोल प्लाजा पर किसानों के धरने के बीच मनाया गया महिला दिवस। हरियाणवी पोशाक पहनकर ट्रैक्टरों पर सवार होकर धरना स्थल पर पहुंची महिलाएं, सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। अमृतसर में NSUI कार्यकर्ताओं ने किया राज्यसभा मेंबर श्वेत मलिक का घेराव। कहा देश में महिलाएं नहीं है सुरक्षित, बीजेपी के पास नहीं है कोई जवाब। हरिद्वार में धूमधाम से निकली महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई। भगवान शंकर के मंदिर दक्षेश्वर महादेव मंदिर से हुई थी रवाना, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की शिरकत।